ही उस पर विचार किया जाएगा, जल्द उन नियमों को बनाया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरीके से। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में लिफ्ट गिर गई है। मुंबई से बड़ी खबर, लिफ्ट गिरने से दो लोगों की मौत की खबर आ रही है। मुंबई के वर्ली में हुआ यह हादसा, जहां पर लिफ्ट गिर गई है। मुंबई के वर्ली में लिफ्ट गिरने से हुआ हादसा, एक इमारत बन रही थी, इमारत का निर्माण चल रहा था और इसी बीच लिफ्ट गिर गई है। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की यह खबर है, जिसके मुताबिक लिफ्ट गिरने से हुआ है यह हादसा। इमारत बन रही थी, उसमें लगी लिफ्ट गिर गई, दो लोगों की मौत की खबर आ रही है। तो मुंबई के वर्ली में हुआ यह हादसा, बड़ा हादसा, दो लोगों की मौत की खबर। और जानकारी यह कि इमारत में यह लिफ्ट गिरी है, बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन ये इमारत थी, इमारत बन रही थी। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की खबर के मुताबिक ये हादसा हुआ है, जिसमें दो लोगों की मौत की खबर है। मुंबई के वर्ली से हादसे की ये बड़ी खबर इस वक्त की। मुंबई में लिफ्ट गिर गई है, जिसकी वजह से हुआ है ये हादसा, और इस हादसे में दो लोगों की जान जाने की खबर है। मुंबई के वर्ली में हुए इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये इमारत बन रही थी और इसी दौरान हुआ यह हादसा, निर्माणाधीन इमारत में लिफ्ट गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है। लिफ्ट गिरने से दो लोगों की मौत की खबर आ रही है। मुंबई में लिफ्ट गिरने से हुआ है यह हादसा, इस वक्त की बड़ी खबर। महाराष्ट्र के मुंबई से, मुंबई में वर्ली इलाके में दरअसल एक निर्माणाधीन इमारत बन रही थी और वहां पर यह हादसा हुआ। लिफ्ट गिरने की वजह से दो लोगों की मौत की खबर फिलहाल मिल रही है। निर्माणाधीन इमारत थी, इमारत बन रही थी और इसमें लगी लिफ्ट से हुआ है यह हादसा। लिफ्ट अचानक से गिर गई, हालांकि इसके पीछे क्या वजह रही अभी तक साफ नहीं हो सका, लेकिन बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन ये इमारत थी, जिसमें लगी लिफ्ट के गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दो लोगों की मौत हो गई है। दो लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। मुंबई के वर्ली इलाके में यह हादसा हुआ है, जहां पर एक इमारत बन रही थी और उस इमारत में लगी लिफ्ट गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। आपको बता दें इस हादसे में दो लोगों की मौत की खबर आ रही है। और इस सब के बीच आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में जिस तरीके से बारिश हुई है, भारी बारिश की वजह से वहां जबरदस्त नुकसान, और नुकसान के बीच एक और खबर वहां से, महाड़ में जमीन खिसकने से हुए हादसे का जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़कर अब 44 हो गया। महाड़ के तराई गांव में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, वहां पर 33 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और ये आशंका पहले से जताई जा रही थी कि और लोग दबे हो सकते हैं, जबकि करनाल गांव से 11 लोगों के शव निकाले गए हैं। अभी भी 50 लोगों के, ये देखिए जो लोग दबे हुए हैं उनका आंकड़ा भी अब बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि 50 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। और जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश की वजह से पिछले 4 दिनों में 136 लोगों की मौत हो चुकी है। तो महाड़ में जबरदस्त तबाही और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त नुकसान हुआ है, सड़कों को नुकसान पहुंचा है, लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचा है, मकानों में पानी घुस गया है और इस सबके बीच हादसे की वजह से कई लोगों की जान चली गई। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 33 लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है क्योंकि 11 शव और निकाले गए हैं और ये करनाल गांव से निकाले गए हैं।